अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा हसीब। हम देख रहे हैं मार्केट की पोजीशंस डे बाय डे स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है और आज के दिन काफी अरसे बाद 147 डेज बाद ये ट्रेडिंग वॉल्यूम देखे गए हैं, यानी कि लास्ट ईयर सिर्फ दिसंबर को हमने देखे थे जब ये वॉल्यूम्स काफी हद तक इंक्रीज हुए थे और आज के दिन हम देख रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रही है। 36,000 के लेवल्स पर मार्केट आ गई है। इट मींस के कल का दिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा उस वक्त भी अच्छी उम्मीद की जा सकती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल आज की इंक्रीज के बारे में, तो 1.2% इंक्रीज आज की मार्केट में हुआ है और ओवरऑल 10th कंसेक्यूटिव डे है जिसमें हम देख रहे हैं काफी हद तक पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही हैं और मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इट मींस के ओवरऑल बाइंग अपॉर्चुनिटीज इंडिकेट कर रही हैं कि यहां पे एफिशिएंसी दिखाई दे रही है इन्वेस्टर्स की जानिब से कि वो मार्केट में आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इज द डेली हाईलाइट, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 35,694.89 के लेवल पर। हाई साइड मार्केट गई 36,190.70, लोअर बॉस 35,694.89 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 36,142.17 का, यानी माइनर से लो हम जो है इंट्राडे हाई से हमारा क्लोजर हुआ, 447.28 का इजाफा देखा गया, यानी 1.2% जैसे मैंने कहा आज की मार्केट में। टर्न ओवर करंटली मार्केट में 153.91 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए, कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 47.56 मिलियन शेयर का। वैल्यू रही 15.68 बिलियन रुपीज। और सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में हम स्क्रिप्ट वाइज वॉल्यूम लीडर्स देख रहे हैं। ऑल स्क्रिप्ट बीकिंग ग्रीन टेरिटरी, यूनिटी फूड असिस्ट को लीड कर रहे हैं 1 रुपी के अपर लॉक के साथ, 12.75 के क्लोजर, 40.65 मिनट शेयर ट्रेड किए गए। पेल यानी पावर पार्क इलेक्ट्रॉन 1.04 का इजाफा देखा गया, 28 रुपी पे क्लोजर रहा, 39.60 मिनट शेयर का कारोबार रहा। एंड लास्टली टीआरजी पार्क अगेन वॉल्यूम लीडर्स में 0.66 का इजाफा, 36.31 पे क्लोजर, 38.45 पे कारोबार रहा। ये था ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं काफी हद तक परफॉर्मेंस जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और वॉल्यूम लीडर्स में भी काफी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन नजर आती है। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ द डे के हवाले से है, काफी हद तक जो एक स्पेसिफिक टॉपिक है और काफी अरसे से लाइमलाइट में दिखाई देता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे टॉपिक रखा गया है। वो टॉपिक जो कि आप नीड ऑफ द आवर भी है और काफी अरसे बाद इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद ये जो सेक्टर है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट देखते हैं। मुल्की मईशत में रियल एस्टेट का शोबा बुनियादी अहमियत का हामिल समझा जाता है। यही वो शोबा है कि जिसके साथ 50 से ज्यादा दीगर शोबाजात भी मुंसलिक होते हैं, इसीलिए इसको किसी भी मुल्क की तरक्की की रफ्तार नापने का पैमाना भी कहा जाता है, क्योंकि इसी की मदद से मुल्क में जारी तरक्याती मंसूबों और तामीराती सरगर्मियों का अंदाजा लगाया जाता है। गुज़श्ता चंद दिहाइयों में इस शोबे ने अपनी अहमियत का लोहा खूब मनवाया है। यही नहीं बल्कि बैरून ममालिक से आने वाले ज़र मुबादला का भी बेशतर हिस्सा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता रहा है। हरचंद के रियल एस्टेट के निजाम में कई खामियां भी मौजूद रही, लेकिन इन तमाम तरह खामियों के बावजूद रियल एस्टेट सेक्टर मईशत की रीढ़ की हड्डी के तौर पर जाना जाता है। ये भी हकीकत है कि रियल एस्टेट में इतनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है कि बाकी कारोबार करने वाले लोगों ने भी अपने कारोबार बंद करके रियल एस्टेट का कारोबार करना ही शुरू कर दिया है। यही वजह है कि रियल एस्टेट के लोग बासर लोगों में शुमार किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कोरोना वायरस के बायस मुल्क में होने वाले माशी नुकसानात का अजाला करने के लिए तामीराती शोबे के लिए पैकेज का ऐलान करते हुए विदहोल्डिंग टैक्स की छूट के अलावा तामीरात को सनत का दर्जा देते हुए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के क्याम का ऐलान भी किया था। इस इकदाम को माहिरीन माशियात ने इंतहाई मजबूत कदम करार देते हुए बताया है कि पैकेज से पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के न सिर्फ मौके बढ़ेंगे बल्कि कसीर सरमाया गर्दिश में आ जाने से मईशत पर भी मजबूत असरात मुरतब होंगे। दूसरी जानेब कोरोना वबा के बायस गुजरे चंद माह भी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात का बायस बने रहे और उनकी खपत में नुमाया कमी भी महसूस की गई। ताहम सीमेंट का शोबा रियल एस्टेट के साथ बराह रास्त जुड़ा होने के नाते उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सीमेंट इंडस्ट्री भी चंद माह में दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम पाने में कामयाब हो जाएगी।
नाज़रीन आपने रिपोर्ट देखी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे काफी डिटेल हमने कोशिश की कि नाज़रीन भी हमारे व्यूअर्स भी जान सकें कि क्या अभी तक हाल हो रहा है, क्या सिचुएशन है और आगे आने वाले दिनों में किस तरीके के इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारे साथ मौजूद है आसिफ समसम साहब, उनको वेलकम करते हैं। आप फॉर्मर चेयरमैन है आबाद के SR। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो ये पैकेज दिया गया है कितना ज्यादा पॉजिटिव, इसके बाद ही हम देख रहे हैं कि तमाम इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट हो गई, स्टील हो गई, ये तमाम इंडस्ट्री उसके बाद ही वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रही है, योर टेक ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो हम पिछले तकरीबन 4-5 साल से, ये इस पैकेज के पहले से मैं बता रहा हूं कि जो 2017 के बाद से एक डाउनफॉल शुरू हुआ कि जो पॉलिसीज थी हुकूमत की और जो जिस तरीके से उसको इग्नोर किया गया सेक्टर को, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इमरान खान साहब ने जब इन्होंने ये जब हुकूमत उन्होंने जब इनकी आई तो उनका पहला ये हमारे आबाद में ही उन्होंने अनाउंस किया था कि 50 लाख घर वो बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो बेघर अफराद हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात थी, उनका बड़ा अच्छा विजन है और हम हमेशा उनकी इस बात को सेकेंड भी करते रहे। ठीक है, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि इनके टेन्योर में 50 लाख घर बन जाएंगे, लेकिन एक विजन होना और एक बात करना और उसको शुरू करने की कोशिश करना ये बहुत बड़ी बात है। और जो पैकेज आपने अभी मैंने सुना, आपने बताया कि जो पैकेज जिस पैकेज की आप बात कर रहे हैं कि एक इस इंडस्ट्री को एक नो डाउट एक अच्छा पैकेज उन्होंने देने की कोशिश की, जिसमें हम जब ये पैकेज आया तो उस वक्त भी हमने इसमें ये कहा था कि इसमें टैक्स इस्लाहत बहुत अच्छी की है इन्होंने, जो हमारा एक देरियाना मुतालबा था फिक्स टैक्स रिज्यूम का वो भी उन्होंने उसको भी पूरा किया हमारा। और उनकी नीयत भी हमें नजर आई, उनकी सोच भी नजर आई कि वो चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री चले, क्योंकि पूरी दुनिया में जो अगर कोई भी जब दुनिया में किसी भी GDP की अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, क्योंकि ये लोग बात करते हैं 70 अलाइड इंडस्ट्री की, तो 70 अलाइड इंडस्ट्री जब चलती है हमारे सेक्टर के साथ तो ये हजारों लाखों की तादाद में फैक्ट्रीज हैं। मैं 70 फैक्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, एक सीमेंट बनाने की फैक्ट्री, सरिया बनाने की फैक्ट्री, तो ये सेक्टर है, 70 सेक्टर चलते हैं बेसिकली। तो नो डाउट कि उनकी जो ये सोच है हम हमेशा उसको अप्रिशिएट करते हैं।
हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको रिस्क की कुशादगी या उम्र की दराजी भली लगे वो अपने रिश्तेदारों से नेक सुलूक करे। ये पहला स्टेज है जैसे आपने ड्रीम की बात की, लेकिन सेकंड स्टेज ये है कि क्या इसका इम्प्लीमेंट होने जा रहा है या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ वो इम्प्लीमेंट जो विजन है इमरान खान साहब का वो यहाँ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सर उस पर कोशिशें करनी चाहिए, राय देनी चाहिए और राय दीजिए ताकि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुस से जो है वो आगे पहुंचे। जी बिल्कुल। और बातचीत के जरिए जो है देखें, पहली बात तो ये कि हमने जब इन्होंने ये पैकेज अनाउंस किया तो हमने उनको जो है, देखें कोई भी पैकेज जो होता है ना, अगर जब तक तमाम लोग उसका स्टेक होल्डर नहीं होंगे ना तो वो कामयाब नहीं होगा। चंद लोगों को अकोमोडेट हो जाना ये ठीक नहीं है। हजार मेंबर हम आबाद के हैं और अगर हजार मेंबर नहीं है, हजार मेंबर तो लाजमी सारे तो नहीं होते, लेकिन कम से कम 50-60% मेंबर आपके अगर इस आपके इस विजन के साथ खड़े हो जाते हैं, जो आपने 50 लाख घरों का जो विजन है, तो चले लेट्स कम, शुरू तो होगा। मैं नहीं कहता कि ये 50 लाख घर बन सकते हैं आने वाले 3 सालों में, इस टेन्योर की बात है, लेकिन शुरू तो होगा, अच्छी बात है। मगर अगर अगर कोई पॉलिसी, जैसे हमने कहा कि टाइम फ्रेम कम है, जैसे आपने भी कहा कि इसको कैसे ठीक करें, मैं राय दूं, तो ये पीरियड इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसलिए कि मुमकिन नहीं है सिंध में कि इस कोविड की पोजीशन में मैं वो इन्वेस्टमेंट तलाश करूं जो ब्लैक मनी है, क्योंकि आबाद के मेंबर सारे टैक्स पेयर हैं, उनके पास कोई ब्लैक मनी नहीं है। लेकिन सर आबाद के मेंबर्स के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं और वो रजिस्टर हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो कम्प्लीट नहीं हो पाते। 10-10 साल गुजर जाते हैं, फाइल्स एंड हो जाती हैं, कोर्ट जाते हैं लोग, काफी ऐसा होता है, देखते हैं लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने, देखें ये उससे हटके, नया पाकिस्तान से हटके, ठीक है, वो एक नए पाकिस्तान के बारे में तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो टॉपिक के बारे में बात कर रही हूं। आवर टॉपिक इज अबाउट, नहीं मैं यही कह रहा हूँ, अच्छी बात है आपने ये टॉपिक दिया। देखें दो फैक्टर है, एक फैक्टर वो है कि डिफॉल्ट करता है बिल्डर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई बिल्डर डिफॉल्ट करता है तो मैं समझता हूं कि उसको ये ज्यादती है और लोगों को उसका ख्याल करना चाहिए। अगर लोगों ने उसके साथ बुकिंग की है तो उसको टाइम, उसके कोई लॉज हैं आपके पास? जी जी बिल्कुल, लॉज हैं, बायलॉज हैं, उसका टाइमलाइन है। लेकिन ज्यादातर जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है हमारे पास वो ये है कि यूटिलिटी जब आप दोगे नहीं किसी प्रोजेक्ट को, एक बंदे ने 10 साल पहले आपको एक प्रोजेक्ट में आपको एक यूनिट सेल किया 25 लाख का, उसको आपने आज तक अगर यूटिलिटी नहीं दी, गैस पानी बिजली आपने उसको नहीं दी, तो वो उसको बसाया नहीं जा सकता। उल्टा उस बिल्डर पे लोड पड़ता है कि चूंकि उसने तो कमिट किया हुआ है कि 25 लाख का उसको यूनिट देना है, तो वो 10 साल बाद भी वो बेचारा 25 लाख का ही उसको वो यूनिट इंश्योर करता है, कोशिश करता है, हम भी कोशिश करते हैं कि वो इंश्योर करे। अगर किसी ने उसको पे किया हुआ 100% तो ये बिल्डर की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि उसको उसी रेट में दे, कोई अनाउंसमेंट ना करे, ये अलग बात है। चलें सर, ये तो आपने लोड की बात की ना, लेकिन अगर बिल्डर अभी थोड़े अरसे तक जब वो बुकिंग करवाते हैं और सब बुकिंग हो रही है, उसके बाद वो किसी और को भेज देते हैं बिजनेस के थ्रू ही कि वो किसी और बिल्डर को उन्होंने भेज दिया ये प्रोजेक्ट, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने बुकिंग उस बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट करके बुक करवाए थे, तो फिर ये तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए इस चीज का क्या कोई चेक एंड बैलेंस है? में पूरा कानून है, कोई भी बिल्डर बुकिंग करने के बाद डायरेक्टली किसी को सेल नहीं कर सकता जब तक कि वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में वो अप्लाई ना करे सेल के लिए, और तमाम वो जो उनके स्टेक होल्डर हैं जिनकी जिन्होंने आप कहा कि जो जिन्होंने अलॉटीज हैं उनकी एनओसी उनके पास ना हो, तो जब तक क्लियरेंस नहीं है वो अपना प्रोजेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये लॉ है, अगर कोई करता है तो वो इलीगल एक्ट है। और सर हमने देखे हैं काफी अच्छे से कि ये हो जाता है और इलीगल एक्ट होते हैं। देखें मैं आपको इसका कोई चेक एंड बैलेंस है कि लोग हैं जिनके, देखें मैं आपको यूं बता सकता हूं कि आबाद में एक पूरा कंप्लेंट सेल है, ये कंप्लेंट सेल हमारी हमें कम फैसिलिटी देता है, अलॉटीज को ज्यादा फैसिलिटेट करता है। तो आबाद में एक पूरा सिस्टम है, अगर किसी की कंप्लेन है और उसकी जायज कंप्लेन है तो मुमकिन ही नहीं है कि आबाद उसको हल ना करे। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि कराची चैम्बर में भी मैं एज ए चेयरमैन हाउसिंग रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में अब इस वक्त करंट में मौजूद हूं, तो वहां भी अगर कोई हमें कंप्लेन देता है और हम समझते हैं कि वो जैसे आपने निशानदेही की कि किसी ने ऐसा किया है तो उसने गलत किया है,
और उसमें उसका राइट नहीं है कि किसी को अगर वो बुकिंग करता है उसके बाद वो प्रोजेक्ट उसको सेल कर दे बगैर एनओसी बिल्डिंग सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एनओसी के बगैर, क्योंकि वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसको इंश्योर करती है कि कोई अलॉटीज ऐसा तो नहीं है कि जिसके पैसे उसने लिए हुए। क्योंकि अगर जहां आपके तहफ़ुज़ात थे वहां पे आप लोगों को एक पैकेज भी दे दिया गया, मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी ही उसको मैं बता रही हूं कि अगर हाई राइज बिल्डिंग की बात थी तो वहां भी आप लोगों को इजाजत दे दी गई, और अगर ये जहां बात थी पैकेज की तो पैकेज भी दे दिया गया है। अब 2020 के बाद क्या एम्बिशन है हाई राइज बिल्डिंग की? आपने निशानदेही की, हाई राइज बिल्डिंग की हमें कोई परमिशन नहीं। कोर्ट के थ्रू तो ऑर्डर आए थे अभी, देखें हाई राइज कोर्ट ने तो कभी, कोर्ट को तो इतराज नहीं, आप लीगल कोई भी काम करते हैं तो कोर्ट कभी उसको नहीं रोकती, वो तो चाहती है कि लीगल एक्टिविटी चले, कोर्ट चाहती है। लेकिन कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं हमारी कि जिसकी वजह से इस वक्त कराची शहर में सैकड़ों प्रोजेक्ट रुके हुए हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में और वो अप्रूवल्स नहीं हो रहे, कोई ना कोई हर्डल्स उसमें है। जबकि हमारी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब ने जिस पैकेज की आपने बात की, तो देखिए ये पैकेज अभी सिंध में आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा। 3 माह हो चुके हैं इसको, अभी तक कोई एक्टिविटी आपको नजर नहीं आई। क्यों नजर नहीं आई कि पहले दिन हमने निशानदेही की थी कि इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो ठीक करने की जरूरत है। जब उन्होंने कहा कि 45 दिन में प्रोजेक्ट की अप्रूवल मिलेगी, और जब मैं कह रहा हूं या हमारे सारे मेंबर कह रहे हैं कि साल सवा साल लगता है, और आपने कहा कि एक्सटेंड हो जाती है, आपने एक सवाल किया था कि दिसंबर की टाइमलाइन एक्सटेंड हो जाती है, तो ये जो केस है ना इसमें कोई भी बंदा रिस्क ले ही नहीं सकता कि अगर एक्सटेंड ना हुई, किसी ने अपनी ब्लैक मनी इन्वेस्टमेंट कर दी किसी प्लॉट या प्रोजेक्ट में और वो एक्सटेंड ना हुई तो उसको जेल जाना पड़ेगा। तो ये इसमें तो कोई बचत नहीं है उसके लिए। तो ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं आप? जी मैं ब्लैक मनी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने यही कहा है इस पैकेज में कि जो अनडिक्लेयर्ड पैसा आपके पास है वो आप लगा दें इस सेक्टर में दिसंबर 2020 तक और शुरू कर दें प्रोजेक्ट, तो आपसे उसकी सोर्स नहीं पूछी जाएगी। मैं उसी की निशानदेही कर रहा हूँ। हमारे मेंबर कितनी एक्सपेक्टेशन थी आपकी, कितनी ग्रोथ होनी चाहिए और कितनी ग्रोथ हुई है? देखिए कोविड के वजह से आपको पता है दुनिया में हालात तो इस काबिल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो हाउसिंग पॉलिसी जो दी गई तो उसमें मैं समझता हूँ कि देखें स्टेक होल्डर कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर आपको प्रेजेंट किया और आपको अगर कोई गलत प्रेजेंट किया तो आप देखें अभी काम शुरू नहीं हो रहा। आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेना चाहिए। हमने कराची चेंबर से भी उनको लिखा कि कराची चेंबर इस शहर की माँ है, आपको उनका नुमाइंदा आपके बोर्ड में होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई स्टिल रिप्लाई नहीं है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि देखिए 10-20 लोग अगर अकोमोडेट हो जाए इनके इस पॉलिसी पे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तमाम मेंबर्स जब तक इसका हिस्सा नहीं बनेंगे या ओपन पॉलिसी नहीं होगी तमाम लोगों के लिए। देखिए कानून साजी अभी तक हुई नहीं है, कोई मेरे पास कोई वर्किंग पेपर नहीं है इस हाउसिंग पैकेज की जो बात कर रहे हैं, सिवाय टैक्स इस्लाह के जो FBR की तरफ से थी और वो हमने उसको अप्रिशिएट किया है। उसमें भी मैं आपको बता दूं कि अगर मैं 10 लाख रुपए एक प्रोजेक्ट पे या 1 करोड़ पे एक प्रोजेक्ट पे टैक्स दे रहा था तो इस FTR के बाद 2 करोड़ पे मुझे देना पड़ेंगे, लेकिन हम खुश हैं, इस बात पे खुश हैं कि कम से कम हम उन चीजों से बच जाएंगे, अंडर टेबल पैसे देने से बच जाएंगे, हम ब्लैकमेलिंग से बच जाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि हम पीसफुल होके जो है ना अपना काम कर सकते हैं, और हमने इसको अप्रिशिएट किया। लेकिन जो पॉलिसी अप्रूवल की है, जब तक देखें सूबा सिंध 18वीं तरमीम के बाद उसका अख्तियार है। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब को, देखें हमें उनकी नीयत पे शक नहीं है, मैं पर्सनली लाइक करता हूं, लेकिन उनको उनको जो है CM सिंध को भी अपने साथ ऑन बोर्ड लेना चाहिए। फिर ऑपोजिशन का मसला है, वो तमाम चीजें अलग हो जाएंगी। ग्रोथ रेट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ये बताइए। देखिए मैं तो समझता हूँ कि अगर जिस जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हुकूमत एक्सपेक्ट करती है कि अगर इंडस्ट्री चल जाए अपने पूरे पूरे पावर के साथ चल जाए तो ये आपको 2-4% ग्रोथ रेट आपका बढ़ सकता है इस इंडस्ट्री की वजह से, अगर वो पूरी फुल स्विंग करे अपनी कैपेसिटी के साथ, प्रॉपर बातचीत के साथ मिल बैठने के बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तमाम जो है वो तय करने के बाद ग्रोथ रेट मुमकिन है। जी तमाम लोगों को आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। मैंने सिंध की आपको बात की, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि एक सूबे को हम छोड़ दें और बाकी काम शुरू हो जाए, तो मैं समझता मुमकिन नहीं। दूसरी बात, सबसे बड़ा इश्यू जो आगे आने वाला है वो ये है कि बैंक आपको, क्योंकि आपने गरीब लोगों को घर देने, गरीब लोगों के पास NTN नंबर नहीं है तो बैंक, वो फिर एक काफी डिटेल्ड टॉपिक हो जाएगा, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन वाकई शुरू नहीं होगा। मैं आपको बताऊं ये शुरू नहीं होगा अगर गरीब आदमी के पास NTN नंबर नहीं है, उसके पास तो एड्रेस नहीं है, NTN नंबर कहां से आएगा? तो जब NTN नंबर नहीं है काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, हम इस पर डिटेल प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सेगमेंट कमोडिटीज ऑफ फॉरेक्स ट्रेड, आज की मार्केट में क्या रहे देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 113,392 रुपीस, गोल्ड पर टेन ग्राम 97,319 रुपीस, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर ऑन्स 1,809.83 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 40.78 डॉलर, ऑयल ब्रेंट पर बैरल 43.35 डॉलर। और नेक्स्टली करेंसी रेट में देख रहे हैं हम, यूरो की बाइंग रही 187 रुपीस, सेलिंग वॉज 190, यूके पाउंड बाइंग रही 208 रुपीस, सेलिंग वॉज 214, एंड डॉलर 166.50, सेलिंग वॉज 167.50। नेक्स्टली सऊदी रियाल बाइंग एट 44 रुपीज, सेलिंग वॉज 44.50, यूएई दिरहम बाइंग एट 45 रुपीज, सेलिंग वॉज 45.90, एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 515.50, सेलिंग वॉज 518 रुपीज। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। गोल्ड की पर्टोला प्राइस काफी हद तक हम देख रहे हैं आगे जा रही है, यानी कि 113,000 से तजावुज कर गई है। ये काफी हद तक हम कहेंगे काफी सेफ हेवन दिखाई देता है। जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं एक महीने पहले या दो महीने पहले, वो अभी काफी हद तक जो है वो फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी इन्वेस्टमेंट अगर कमोडिटी में की जाए तो जरा अपनी आईज को ओपन करके दी जाए, वो इसलिए क्योंकि अभी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि यहां से कुछ फ्लक्चुएशन कमोडिटी मार्केट में दिखाई दे। और इसके साथ साथ अगर हम मार्केट के वॉल्यूम्स की बात करें तो आज के दिन एक पॉजिटिव डे और हम कहेंगे कि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा दिन इसलिए दिखाई दिया है क्योंकि इस साल के अंदर 36,000 के लेवल्स पे आना और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना और काफी हद तक हाई लेवल्स पे जाते रहना, इट मीन्स के मार्केट के लिए काफी हद तक और बिजनेस कम्युनिटी के लिए काफी हद तक पॉजिटिव बात है। इन तमाम चीजों पर भी बात करेंगे। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।